we were discussing laws of chemical combination. First law, chemical combination that we have considered in the last video was law of conservation of mass, which was proposed by Lavoisier. And according to law of conservation of mass, mass can neither be created nor be destroyed. Mass remains constant in a chemical reaction. Total mass of products is always equal to total mass of reactants. और इसका लिमिटेशन अपन ने लिया था कि ये जो लॉ है ये केमिकल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है. न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में, फ्यूजन रिएक्शन में मास डिस्ट्रॉय होता है और इसका लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन होता है. एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्ट्रॉयड मास एंड एनर्जी क्रिएटेड वॉज गिवन बाय आइंस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, एंड दैट इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टाइन इक्वेशन, विच इज ई इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, वेयर एम इज द मास विच इज डिस्ट्रॉइड, ई इज द एनर्जी विच इज क्रिएटेड, एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. That was the first law of chemical combination that we have considered in the last video. Now today we have to discuss with second law of chemical combination, and it is known as law of constant definite or fixed proportion or composition, and it was proposed by French chemist Proust in 1799. अब ये law का statement क्या है? This law is known as law of कॉन्स्टेंट डेफिनेट फिक्स. तीनों का मतलब एक ही है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट, लॉ ऑफ डेफिनेट, लॉ ऑफ फिक्स. कुछ भी लिखा तो भी चलेगा, और यहाँ पर प्रोपोर्शन लिखा तो भी चलेगा या कंपोजिशन लिखा तो भी चलेगा. अब इन तीनों में से अपन एक ही टर्म यूज करेंगे, कॉन्स्टेंट. तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, दोनों लॉज का मतलब एक ही है, सिर्फ स्टेटमेंट में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है. एंड बोथ दिस लॉज वेयर गिवन बाय प्रोस्ट इन 1799. अब लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, इसका स्टेटमेंट इस प्रकार का है. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, सेम कंपाउंड, सेम कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय, ऑब्टेन्ड बाय एनी मेथड or obtained from any source, same compound obtained by any method or obtained from any source contains same elements, combined together, combined together in the same proportion,
by mass. Yoga law of constant proportion ka statement or law of constant composition इसका भी स्टेटमेंट करीब करीब ऐसा ही है, थोड़ा सा फर्क है लेकिन दोनों का मतलब एक ही निकलेगा। ये हो गया स्टेटमेंट फॉर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब स्टेटमेंट फॉर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बजाय अपन लिखेंगे कंपोजिशन। अब इसका स्टेटमेंट इसके जैसे लिखने का है, करीब करीब सेम कंपाउंड, सेम कंपाउंड ऑब्टेन बाय एनी मेथड और ऑब्टेन फ्रॉम obtained from any source। यहां तक ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। अब यहां पर अपन ने लिखा था contains सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टूगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, यहां पर वैसा लिखने का नहीं। सेम कंपाउंड obtained बाय एनी मेथड obtained फ्रॉम एनी सोर्स हैज सेम या कॉन्स्टेंट केमिकल कंपोजिशन। दिस इज द स्टेटमेंट फॉर लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। अब इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब अपने को लेने का एक्सप्लेनेशन। अब पहला स्टेटमेंट सेम कंपाउंड obtained by any method, obtained from any source, एक ही कंपाउंड अगर अपन ने कोई भी मेथड से तैयार किया, कंपाउंड के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अलग अलग हो सकते हैं, एक ही कंपाउंड अपन अलग अलग मेथड से तैयार कर सकते हैं, कंपाउंड लेकिन सेम होना चाहिए। सेम कंपाउंड obtained by any method, एक ही कंपाउंड अगर अपन ने कोई भी मेथड से तैयार किया और सेम कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स, मान लो अपन ने कंपाउंड तैयार नहीं किया, कंपाउंड रेडीमेड लिया लेकिन अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग ठिकानों पर से, अलग अलग सोर्सेस पर से अगर अपन ने एक ही कंपाउंड लाया मिलाया, इफ सेम कंपाउंड इज ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स, तो एक ही कंपाउंड कोई भी मेथड से तैयार किया या एक ही कंपाउंड कोई भी सोर्स से अगर अपन ने लाया तो भी उसमें के एलिमेंट सेम रहेंगे। सेम कंपाउंड ऑब्टेन बाय एनी मेथड ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स, एक ही कंपाउंड कोई भी मेथड से मिलाया, कोई भी सोर्स से लाया, कहीं से भी लाया तो भी उसमें के एलिमेंट्स सेम रहने वाले हैं, एलिमेंट बदलने वाले नहीं है, और उन एलिमेंट्स का उस कंपाउंड में एक दूसरे से कंबाइन होने का जो मास का प्रपोर्शन है वो भी सेम रहेगा। सेम कंपाउंड ऑब्टेन बाय एनी मेथड ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स कंटेन्स सेम एलिमेंट्स एंड दोज एलिमेंट्स आर कंबाइन टूगेदर इन द सेम प्रपोर्शन बाय मास, एक ही कंपाउंड कोई भी मेथड से तैयार किया कहीं से भी लाया तो भी उसमें के एलिमेंट सेम रहेंगे और उन एलिमेंट्स का एक दूसरे से उस कंपाउंड में कंबाइन होने का मास का प्रपोर्शन भी सेम रहेगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल, वी शैल कंसीडर दिस कंपाउंड वाटर। नाउ यू नो दैट व्हाट कंपाउंड इज डिफाइंड एज ए प्योर सब्सटेंस which is obtained by the chemical combination of two or more elements in definite proportion by mass। कोई भी कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे से केमिकली कंबाइन हुए रहते। अब मान लो अपन ने एक कंपाउंड लिया वाटर, वाटर अपने को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं, वाटर अपने को रेडीमेड मिल जाता है वाटर के अलग अलग प्रकार के सोर्सेस से,
Water can be obtained from river, obtained water can be obtained from lake, obtained water can be obtained from tube well, it can be obtained from different sources. Water, as a compound, it can be obtained from different sources. और कोई भी सोर्स से कहीं से भी अगर अपन ने वाटर लाया और उसका अगर अपन ने एनालिसिस किया यानी उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है और उनका कंबाइन होने का प्रपोर्शन क्या है ये अगर अपन ने लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो ये जो वाटर के अलग अलग सोर्सेस से लाए हुए सैंपल्स है इनका अगर अपन ने एनालिसिस करके देखा या मान लो इस वाटर का अगर अपन ने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो कैथोड पर अपने को मिलेगा हाइड्रोजन गैस और एनोड पर मिलेगा अपने को ऑक्सीजन गैस. वाटर का सैंपल कहीं से भी लाया और उसका अगर अपन ने एनालिसिस किया उसका अगर अपन ने इलेक्ट्रोलिसिस किया उसमें से अगर अपन ने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो कैथोड पर मिलेगा अपने को हाइड्रोजन गैस और एनोड पर मिलेगा अपने को ऑक्सीजन गैस. यानी वाटर में ये दो एलिमेंट्स है हाइड्रोजन ये एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन ये दूसरा एलिमेंट है. और ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस लिबरेट होंगे इनके मासेस मेजर करना और इनके मासेस का रेशियो अगर अपन ने कैलकुलेट किया तो वो कभी भी 1.8 ही आएगा. And the same compound, water, obtained from any source, whether it is obtained from river, lake, tube well, sea, कोई भी सोर्स से अगर अपन ने वाटर मिला है तो वाटर में के एलिमेंट सेम रहने वाले हैं कोई भी सैंपल में और वो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और उनका कंबाइन होने का मास का प्रपोर्शन उनका कंबाइन होने का एक दूसरे से कंबाइन होने का मास का प्रपोर्शन फिक्स रहेगा. वाटर में के एलिमेंट ये रहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और उनका कंबाइन होने का मास का प्रपोर्शन रहेगा 1:8 यानी हाइड्रोजन का जितना मास है उसके 8 टाइम ज्यादा मास ऑक्सीजन का उसके साथ में कंबाइन होगा. अगर मान लो अपन ने हाइड्रोजन 1 ग्राम लिया तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हो सकता है. सो सेम कंपाउंड दैट इज वाटर ऑब्टेंड फ्रॉम एनी सोर्स कंटेन्स सेम एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच आर कंबाइन टूगेदर इन द सेम प्रपोर्शन बाय मास दैट इज 1:8. कंपाउंड सेम है एलिमेंट सेम है उनका कंबाइन होने का मास का प्रपोर्शन भी सेम है और एग्जैक्टली यही बात इस लॉ में बताई है. कंपाउंड सेम एलिमेंट सेम और उनका कंबाइन होने का मास का प्रपोर्शन भी सेम. सोडियम क्लोराइड ये जो कंपाउंड है ये अपन लेबोरेटरी में भी तैयार कर सकते हैं बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन. सोडियम और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से मान लो अपन ने सोडियम क्लोराइड का पहला सैंपल तैयार किया. दूसरा सैंपल सोडियम क्लोराइड का सपोज अपन ने सी वाटर से मिलाया तो सोडियम क्लोराइड के अपने पास में दो सैंपल्स है एक लेबोरेटरी में तैयार किया हुआ सैंपल और दूसरा सी वाटर के इवापोरेशन से मिलाया हुआ सैंपल. और इन दोनों सैंपल का अगर अपन ने इलेक्ट्रोलिसिस किया या इन दोनों सैंपल का अगर अपन ने एनालिसिस किया तो अपने को दिखाई देगा मालूम पड़ेगा कि इस सैंपल में दो एलिमेंट्स है सोडियम एंड क्लोरीन और इस सैंपल में भी वही दो एलिमेंट्स है सोडियम एंड क्लोरीन और इन दोनों का कंबाइन होने का मास का प्रपोर्शन इस सैंपल में 23:35.5 है और इस सैंपल में भी इनका कंबाइन होने का मास का प्रपोर्शन वही है 23:35.5. तो ये दो इलस्ट्रेशंस हो गए एग्जांपल्स हो गए टू शो टू प्रूव दैट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज करेक्ट. तो ध्यान में रखना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी सेम कंपाउंड
obtained by any method, obtained from any source, contains same elements combined together in the same proportion by mass. उसके दो examples अपन ले लिए, water और sodium chloride. अब इसी लॉ का दूसरा फॉर्म यह है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन. इसमें क्या बताया, सेम कंपाउंड ऑब्टेंड बाय एनी मेथड ऑब्टेंड फ्रॉम एनी सोर्स हैज सेम केमिकल कंपोजिशन. अब कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन है ना क्या, कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन है ना, कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स है और उन एलिमेंट्स का मास परसेंटेज कितना है, उसको अपन कहेंगे उस कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन. जैसे मान लो अपन ने मीथेन लिया, मीथेन में के एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन है, और मीथेन में कार्बन का एक पर्टिकुलर परसेंटेज रहेगा, मान लो एक्स परसेंट कार्बन है तो हाइड्रोजन का परसेंटेज 100 माइनस एक्स आएगा. मीथेन में कार्बन का परसेंटेज 75 रहता और हाइड्रोजन का मास परसेंटेज 25 रहता. ये हो गया मीथेन का कंपोजिशन. मीथेन का फॉर्मूला CH4, इसका केमिकल कंपोजिशन ऐसे लिखना है, इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं और उनका मास परसेंटेज कितना है. तो मीथेन का केमिकल कंपोजिशन ये है, इसमें कार्बन है 75% और हाइड्रोजन है 25%. अब ये जो कंपाउंड है CH4 मीथेन, ये कंपाउंड अपन अलग अलग मेथड से तैयार कर सकते हैं, और मीथेन अपन ने कोई भी मेथड से तैयार किया तो भी उसका केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा. केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा मतलब उसमें के एलिमेंट सेम रहेंगे और उनका मास परसेंटेज भी सेम रहेगा. मीथेन का सैंपल कोई भी मेथड से अगर अपन ने तैयार किया तो भी उस सैंपल में कार्बन 75% ही रहने वाला है और हाइड्रोजन उसमें 25% ही रहने वाला है. मीथेन का कोई भी सैंपल अगर अपन ने लिया तो उसका केमिकल कंपोजिशन ये रहेगा, कार्बन 75%, हाइड्रोजन 25%. दूसरा एग्जांपल वाटर का, वाटर का केमिकल कंपोजिशन यानी वाटर में का एलिमेंट्स और उनका मास परसेंटेज. वाटर में दो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का मास परसेंटेज 11.11 रहता और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज उसके 8 टाइम्स रहता, 88.88 या 89, दोनों के मास परसेंटेज की टोटल 100. कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट्स के मास परसेंटेजेस की टोटल कभी भी 100 आएंगे, जैसे यहाँ पर भी 100 ही आ रही. वाटर में दो एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मास परसेंटेज है 11.11, ऑक्सीजन का मास परसेंटेज है 88.89 या 88, और इन दोनों का प्रपोर्शन अगर अपन ने कैलकुलेट किया, मास का प्रपोर्शन जैसे अभी इसके पहले कैलकुलेट किया था तो आएगा 11.11 इसको 88.88, और ये वैल्यू इसके 8 टाइम्स है. तो इन दोनों का प्रपोर्शन अगर अपन ने कैलकुलेट किया तो 1:8 आएगा, वो होगा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, और ये है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन. वाटर का सैंपल अपन ने कोई भी सोर्स से अगर मिला है, इफ सैंपल ऑफ वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज देन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर इन ऑल द सैंपल्स will come up to be same. In all the samples of water, hydrogen will be 11.11% by mass, oxygen will be 88.89% by mass. तो ये जो कंपाउंड है वाटर, ये कोई भी सोर्स से अगर अपन ने मिलाया, कहीं से भी लाया तो भी उसका केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा, मतलब उसमें हाइड्रोजन रहेगा 11.11% और ऑक्सीजन रहेगा 88.89%, और इन दोनों का कंबाइन होने का मास प्रोपोर्शन भी सेम रहेगा, दैट इज 1:8. तो मास का प्रोपोर्शन सेम है,
और परसेंटेजेस भी एलिमेंट्स के सेम है, ये और ये इन दोनों का मतलब एक ही होता है, स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये हो गया लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, सेम कंपाउंड ऑब्टेन बाय एनी मेथड, ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स, कंटेन्स सेम एलिमेंट्स, कंबाइंड टूगेदर इन द सेम प्रपोर्शन बाय मास, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, सेम कंपाउंड ऑब्टेन बाय एनी मेथड हैज सेम केमिकल कंपोजिशन। और कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन यानी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स है उनके नाम लिखना और हर एक का मास परसेंटेज लिखना, सबके टोटल 100 आने चाहिए। अब ये जो लॉ है, इस लॉ का ड्रॉबैक, डिफेक्ट या लिमिटेशन, दिस लॉ वॉज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट प्रोस्ट इन 1799 या अप्रोक्सीमेटली 1800। 1800 के बाद में स्टार्ट हो गई 19th सेंचुरी, 1800 टू 1900 ये 19th सेंचुरी, और फिर 1900 टू 2000 ये 20th सेंचुरी, और अभी 2020 है ये 21st सेंचुरी चल रही है। तो ये जो लॉ है, दिस लॉ वाज गिवन बाय प्रोस्ट इन 1799 और वी कैन से 1800, और इट वाज गिवन इन 19th सेंचुरी, और ये जो लॉ है ये लॉ 1800 टू 1900 तक यानी 19th सेंचुरी में वैलिड था, लेकिन 1900 के बाद में यानी 20th सेंचुरी में ये लॉ कुछ केसेस में इनवैलिड हो गया ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। ट्वेंटीएथ सेंचुरी में यानी 1900 के बाद में आइसोटोप्स की डिस्कवरी की वजह से ये लॉ फेल्यूअर हो गया, इनवैलिड हो गया। अब आइसोटोप्स यानी क्या आपको मालूम होना चाहिए, टेंथ में हुआ है आपका। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर्स, और वी कैन से हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस। एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उनके एटॉमिक मास नंबर्स डिफरेंट है या उनके एटॉमिक मासेस भी डिफरेंट है, वो जो एक ही एलिमेंट के एटम्स रहते दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर्स। अब एटॉमिक नंबर यानी क्या, एटॉमिक मास नंबर यानी क्या, ये भी आपको हो चुका है। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी एटम, एटम में प्रोटॉन्स रहते हैं, न्यूट्रॉन्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। और एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स है उस प्रोटॉन का नंबर यानी उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर जेड। और एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है
उन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर की टोटल यानी उस एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर दैट इज ए। और एटॉमिक मास अलग है लेकिन एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर करीब करीब जनरली सेम रहते। और एक ही एलिमेंट्स के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर यानी दोनों की टोटल डिफरेंट रहती है क्योंकि उसमें के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट रहते। जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर्स डिफरेंट है ऐसे एक ही एलिमेंट के जो एटम्स है दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। और हर एक एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा आइसोटोप्स एग्जिस्टेंस में है। जैसा मान लो अपन ने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स है। एक का नाम हाइड्रोजन या प्रोटियम बोलते हैं उसको, दूसरे का नाम ड्यूटेरियम और तीसरे का नाम ट्रिटियम। प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम ये हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स है, एक ही एलिमेंट के एटम्स है ये। तीनों के लिए सिंबल अपन एक ही ले सकते हैं, यस ले सकते हैं, या ड्यूटेरियम के लिए स्पेशली डी भी ले सकते हैं, ट्रिटियम के लिए टी भी ले सकते हैं। अब ये हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम रहता है। एटॉमिक नंबर नीचे के साइड में लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर वन है, इसका भी एटॉमिक नंबर वन है, इसका भी एटॉमिक नंबर वन है, लेकिन इनके एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट रहते हैं। एटॉमिक मास नंबर ऊपर लिखने का रहता, इसका एटॉमिक मास नंबर एटॉमिक मास वन है, इसका एटॉमिक मास टू है, इसका एटॉमिक मास थ्री है। तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक मासेस डिफरेंट है। इसका नाम प्रोटियम, इसका ड्यूटेरियम, इस यहाँ पर अपन एच के बजाय डी भी लिख सकते हैं, वन डी टू भी लिख सकते हैं, इसको हेवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं। और यहाँ पर ट्रिटियम इसका नाम है तो ट्रिटियम के लिए टी भी ले सकते अपन, वन टी थ्री, ये होगा हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स प्रोटियम ड्यूटेरियम हेवी हाइड्रोजन एंड ट्रिटियम। और इसमें का ये आइसोटोप रेडियोएक्टिव है, जानकारी के लिए ध्यान में रखना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये जो एलिमेंट है इसके भी तीन आइसोटोप्स है। ऑक्सीजन का सिंबल वो है एटॉमिक नंबर एट है। ऑक्सीजन का एक आइसोटोप है उसका मास नंबर या एटॉमिक मास 16 है। ऑक्सीजन का दूसरा आइसोटोप उसका एटॉमिक नंबर 8 मास नंबर 17। ऑक्सीजन का तीसरा आइसोटोप एटॉमिक नंबर 8 मास नंबर 18। या ऑक्सीजन के तीन प्रकार के आइसोटोप्स हैं, तीन प्रकार के एटम्स हैं। एलिमेंट एक ही है लेकिन उनके मास नंबर्स अलग अलग है, एटॉमिक नंबर्स सेम है। ये हो गए हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स, ये हो गए ऑक्सीजन के भी तीन आइसोटोप्स। अभी अपन ने ये जो लॉ है इसके लिए अपन ने एग्जांपल लिया था वाटर का, और अपन ने ये यहाँ पर ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया था कि वाटर का सैंपल कोई भी सोर्स से कहीं से भी मिला है तो भी उसमें के एलिमेंट सेम रहेंगे, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और उनका कंबाइन होने का मास का प्रोपोर्शन भी सेम रहेगा। लेकिन इसको अब लिमिटेशन आ गए, ये अभी आइसोटोप्स की डिस्कवरी की वजह से ये लॉ इनवैलिड हो गया। मतलब अपने वाटर के दो सैंपल्स अलग अलग जगहों पर से लाए हैं, ये वाटर का पहला सैंपल, ये वाटर का दूसरा सैंपल। अब ये जो वाटर का सैंपल है इसमें के एलिमेंट्स सेम रहेंगे, इसमें के एलिमेंट्स रहेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें के भी एलिमेंट्स वही रहेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका फॉर्मूला H2O है सपोज, और यानी सपोज नहीं है, इसका फॉर्मूला H2O, इसका भी फॉर्मूला H2O। इसमें हाइड्रोजन के दो एटम्स है, ऑक्सीजन का एक एटम है, इसमें भी हाइड्रोजन के दो एटम्स है
ऑक्सीजन का एक एटम है। अब ये जो दो हाइड्रोजन के एटम्स है, ये जो दो हाइड्रोजन के एटम्स है, ये दोनों मान लो प्रोटियम है। ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स प्रोटियम है। प्रोटियम का मास वन रहता है, प्रोटियम का मास एक एटम का मास वन रहता। यहाँ पर प्रोटियम के दो एटम्स है तो दो एटम का मास दो रहेगा। और ये जो ऑक्सीजन का एटम है, आइसोटोप है, ये वो 16 भी हो सकता है, वो 17 भी हो सकता है, वो 18 भी हो सकता है। ये मान लो ऑक्सीजन का जो आइसोटोप है उसका मास मान लो 16 है, तो हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का मास 16, इनका कंबाइन होने का प्रोपोर्शन 1:8। अब यहाँ पर मान लो ये जो दो हाइड्रोजन एटम्स है, ये दोनों के दोनों प्रोटियम की है, यानी उसका एटॉमिक मास 1, दो हाइड्रोजन का मास 2। और ये जो ऑक्सीजन का आइसोटोप है, ये मान लो ये आइसोटोप है जिसका मास 18 है, ऑक्सीजन का ये आइसोटोप मान लो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसका मास 18 आएगा। तो इन दोनों का मास का प्रोपोर्शन आएगा 2:18, यानी 1:9। ये और ये कंपाउंड सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है, लेकिन फिर भी उन एलिमेंट्स के कंबाइन होने का मास का प्रोपोर्शन सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का जो आइसोटोप है उसका मास नंबर 16 है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन का आइसोटोप है उसका मास नंबर 18 है। तो एक ही कंपाउंड में के एलिमेंट्स सेम रहेंगे, लेकिन उनके आइसोटोप्स भी अगर सेम है तो फिर ये लॉ वैलिड रहेगा, लेकिन उन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स अगर डिफरेंट है तो फिर ये लॉ इनवैलिड हो जाएगा। सेम कंपाउंड ऑब्टेन बाय एनी मेथड विल कंटेन सेम एलिमेंट्स, ये यहां तक करेक्ट है, और उन एलिमेंट्स का कंबाइन होने का मास का प्रोपोर्शन सेम तभी रहेगा जब उन एलिमेंट्स का आइसोटोप भी सेम रहेंगे। एलिमेंट्स का आइसोटोप अगर डिफरेंट है तो फिर उनका कंबाइन होने का मास का प्रोपोर्शन सेम नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर मास का प्रोपोर्शन आ गया 1:8 और यहाँ पर मास का प्रोपोर्शन आ गया 1:9। तो आइसोटोप्स के डिस्कवरी की वजह से ये जो लॉ है ये लॉ फेल्यूअर हो गए कुछ केसेस में। ये लॉ अगर अपने को अप्लाई करने का है तो एक ही कंपाउंड के अलग अलग सैंपल्स लेने पड़ेंगे, और उन सैंपल में के एलिमेंट्स सेम रहेंगे, उनके आइसोटोप्स भी अगर सेम है तो फिर ये लॉ वैलिड रहेगा। आइसोटोप्स अगर डिफरेंट है तो ये लॉ डिफरेंट रहेगा। और एमसीक्यूज के लिए एक जानकारी आपको दे दूंगा, वाटर का फॉर्मूला H2O यानी H2O, इसमें हाइड्रोजन के दो एटम्स है, ऑक्सीजन का एक ही एटम है। इस हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, 3 प्रकार के एटम्स है, इसके भी 3 प्रकार के एटम्स है, और ऑक्सीजन के भी 3 प्रकार के आइसोटोप्स है। इस हाइड्रोजन के 3 प्रकार के आइसोटोप्स है, इस हाइड्रोजन के भी 3 प्रकार के आइसोटोप्स है, और ऑक्सीजन के 3 प्रकार के आइसोटोप्स है। और ये जो H2O का मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन के अलग अलग आइसोटोप्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन के भी अलग अलग आइसोटोप्स हो सकते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि वाटर के 18 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो सकते हैं, वाटर के 18 टाइप के मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो सकते हैं। वो कैलकुलेशन ऐसे, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं लेकिन ऐसे 2 हाइड्रोजन है तो 3:2, और ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स है 3:2:3, 18 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर पॉसिबल, और उसमें के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन होने के मास प्रोपोर्शंस डिफरेंट आएंगे ड्यू टू द डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ
hydrogen and oxygen. So yes, the law of constant or definite or fixed proportion or composition proposed by a French chemist Proust in 1799. अगले वीडियो में अपन तीसरा लॉ लेंगे, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, विच वॉज प्रपोज बाय गार्डन.